तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो साहित्य क्या है, साहित्य क्या है, अगर साहित्य क्या है इस बात पे सोचे तो पहला जो जवाब प्रश्न, इस प्रश्न का जो पहला जो उत्तर आता है वह यह है कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह एक अकाट्य सत्य है, इसको कोई भी काट नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह ओवर रेटेड है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य और समाज की प्रासंगिकता परस्पर होती है, निरपेक्ष नहीं। हमेशा से ही समाज में दो तरह की साहित्य लिखी गई है, एक वह जो समाज के साफ सुथरे दृश्य को चित्रित करती है और साहित्य कही जाती है, दूसरी वह जो समाज के ढके पुते स्वरूप को आकर बेबाक ढंग से पर्दा करती है, वह अश्लील कही जाती है। लेकिन यह जो अश्लीलता है वो हमारे बीच ही है, साहित्य में जो अश्लीलता है वो किसी ग्रह से नहीं आती है, वो हमारे बीच ही है, हमारे समाज में है, इसलिए वो साहित्य में लिखा गया है। आज से 20 वर्ष पूर्व के अगर साहित्य को आप पलट कर देखें, साहित्य के इतिहास को पलट कर देखें, तो जो साहित्य लिखा जा रहा था वह मुख्यतः किसी स्कूल के अध्यापक हुआ करते थे, या किसी कोई पत्रकार होते थे, या किसी साहित्यिक पत्रिका के स्थापित सबको नमस्कार आरती जोशी, शिवेंद्र जी सबको नमस्कार, बापू बाग सबको नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार, सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, काफी लोग जुड़ गए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि 20 वर्ष पूर्व यानी कि 2000 से पहले जो साहित्य लिखी जा रही थी, उस समय जो लिख रहे थे, जो लोग साहित्य लिख रहे थे, उसमें वह लोग शामिल थे जो किसी साहित्यिक पत्रिका के या तो संपादक थे, या किसी स्कूल में शिक्षक थे, या तो वह पत्रकार थे। अभी 2000 के बाद से जो हिंदी राइटिंग की एक तरह से सोशल मीडिया पे जो क्रांति आई है, या ब्लॉगिंग, या कह सकते हैं जो ब्लॉगिंग की जो क्रांति आई है, उसके बाद से आज के समय में हर कोई लिखने लगा है। ब्लॉगिंग की प्रसिद्धि, ब्लॉगर्स की प्रसिद्धि के कारण हर कोई आज के डेट में लिखने लगा है। आज आप देखें सोशल मीडिया पे तो हर कोई या तो कवि है, या कोई समीक्षक है, या कोई लेखक है, या किसी न किसी की साहित्यिक वेब लिंक है। ज्यादातर लोगों ने अपना पेज बना रखा है, अपने नाम से पेज बनाते हैं, साहित्यिक समूह से को जोड़ करके साहित्यिक नाम से पेज बनाते हैं, वहां पर लोगों की कविताएं छपती रहती है। तो इस तरह से मैं इसको, सोशल मीडिया की इस क्रांति को, मैं एक साहित्यिक क्रांति के रूप में भी लेती हूँ। तो ठीक है, यह एक साहित्यिक क्रांति है। तो अभी जो लोग लिख रहे हैं वो हर तबके के लोग लिख रहे हैं, मुझ जैसी हाउसवाइफ भी लिख रही है, कोई स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका भी लिख रही है, या बैंक मैनेजर लिख रहे हैं, इंजीनियर लिख रहे हैं, डॉक्टर्स लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल हर कोई लिख रहा है, यहाँ तक कि स्कूल गोइंग जो लड़के हैं, हालांकि हम भी स्कूल में लिखते थे, जिसको कपलेट कहते हैं, तुकबंदी, मैं उसको तुकबंदी ही कहूँगी क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता था, तुक मिला दिया तो और दो पंक्ति बन गई। तो आजकल स्कूल गोइंग लड़के भी जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक अच्छे से उनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई है, वह भी आज की डेट में तुकबंदियाँ कर रहे हैं और फेसबुक पे लिख रहे हैं। उनका एक अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनको पढ़ते हैं, सराहना करते हैं। तो इस सबके पहले जो साहित्य था वो एक खास तबकों में कहीं ना कहीं कैद था, खास तबके के लोगों में। कुछ उस वक्त कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी लिखा करते थे, जैसे आप ब्यूरोक्रेट्स भी लिखा करते थे उस समय। अभी हर कोई लिख रहा है। अगर आप साहित्य को देखें तो पहले जो कहानियां लिखी जाती थी वह एक ढर्रे की कहानी होती थी, एक बिंदु से शुरू होती थी और दूसरे एक अंत पे जाके खत्म हो जाती थी। कि कहानी जो शुरू होती है वो स्टेप बाय स्टेप जा रही है, कहीं पे उसमें कुछ लेयर्स नहीं होता था, एक फ्लैट कहानी होती होती थी जो पहले जो साहित्य लिखी जाती थी। लेकिन हाँ, कहानी फ्लैट जरूर होती थी, लेकिन उसमें भाषाई उत्कृष्टता होती थी, शिल्प होती थी, शिल्प बहुत ही उत्कृष्ट होता था। उसमें जो शब्द होते थे, जो शब्द इस्तेमाल होते थे, वो बहुत ही उत्कृष्ट होते थे। अभी जो साहित्य लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं यह जरूर कहूंगी कि यह साहित्य का एक तरह का क्षय है, कि हम जिस भाषा में लिख रहे हैं, हम जिस भाषा में आपसे बात मैं कर रही हूँ फिलहाल, इसी भाषा में साहित्य लिखी जा रही है और वो साहित्य कहला रही है और पॉपुलर भी बहुत हो रही है।
पॉपुलर होने का कारण यह भाषा ही है, भाषा की सहजता और भाषा की सरलता, जिस वजह से यह आम लोगों तक पहुंच पा रही है, हम लोगों के बीच पहुंच पा रही है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि यह साहित्यिक क्षय है, इसमें किस्सा गोई तो जरूर है लेकिन भाषा के स्तर पर इसका काफ़ी नाश हुआ है। और अभी वक्त ऐसा आ गया है कि कोई भी 2 कविता 10 कविता पढ़ने के बाद हर कोई सोचता है कि यह कभी ऐसी कविताएं तो मैं भी लिख सकता हूँ। जो जिसको जिस विद्या को नई हिंदी कही गई है, आम भाषा में लिखी गई कथा को जो नई हिंदी कही गई है, उस भाषा में की 2 किताबें पढ़ने के बाद हर कोई यही सोच रहा है आज के डेट में कि ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता हूँ, मेरे पास वे कहानी है। दरअसल कहानी किसके पास नहीं है, हर किसी के पास है, सबके पास कहानी है। जो भाषाई सरलता को लेकर हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि कहानी तो मैं भी लिख सकता हूँ, मेरे पास भी कहने का माध्यम है, मैं भी छप सकता हूँ, कहानी लिख दी, प्रकाशक के पास गई और वो छप के आ भी जाते हैं। लेकिन दरअसल यह साहित्य है ही नहीं, यह टिकाऊ साहित्य नहीं है, यह जो भाषा है यह टिकाऊ नहीं है। आज अगर हम इस भाषा में लिख रहे हैं तो कल किसी और जो इससे भी सरल भाषा होगी कल हम उस भाषा में लिखने लगेंगे। साहित्य तो वह है जिसमें एक गंभीरता होती है, गहराई होती है, एक एक पन्ने को जिसको पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे अगर आप मेरी अगर पसंदीदा उपन्यास को लें तो मुझे चांद चाहिए, अगर उसको पढ़ने बैठूं तो एक एक पेज में काफ़ी वक्त लगता है मुझे पढ़ने में, और पढ़ती भी हूँ मैं। लेकिन वही नई हिंदी की अगर मैं कोई किताब उठा लेती हूँ तो 2 दिन में एक किताब ख़त्म हो जाती है। तो मैं सबसे पहले आज की जो युवा पीढ़ी लिख रही है, जो भी मुझे सुन रहे हैं या कॉलेज के जो बच्चे हैं, उन सबसे ये कहूँगी कि यदि आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वरिष्ठों को पढ़िए। आप जितना ही अपने वरिष्ठ को पढ़ेंगे उनकी भाषा, आपकी जो लेखन शैली है उतनी ही परिष्कृत होती जाएगी, आपकी भाषा सुदृढ़ होती जाएगी, परिष्कृत होगी, परिमार्जित होगी। आपको शिल्प जो होता है वो पुराने हिंदी लिखने वाले, जिनको पुरानी हिंदी दरअसल कहा जाता है, लेकिन मेरे दृष्टि से पूछें तो वही साहित्य है, असल साहित्य वही है, असल तो वही है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप लिखना सीखते हैं। अगर आप लिखने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी, मुझे सुनने वाले अगर कोई भी हैं, यंग हैं, अगर वो लिखने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी कि पहले अपने वरिष्ठों को पढ़ें। उनको पढ़ने से आपको शिल्प आएगा, भाषा ज्ञान होगी, जो भाषा बरतना आप सीखोगे कि कैसे भाषा बरती जाती है। क्योंकि हम लोग अभी जो अभी के परिदृश्य में जो लिखा जा रहा है उसमें भाषा कहीं भी नहीं है। आप अगर कोई एक बी ग्रेड की हिंदी फिल्म ले लें जो बहुत ही कम बजट की फिल्म होती है, वो काफ़ी दर्शक जुटा भी लेती है, उसी तरह से अभी जो भाषा, अभी जो साहित्य लिखी जा रही है जिसमें कोई भाषा की है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं, कुछ खास शिल्प भी नहीं होती है, वो बस हंसी मजाक, थोड़े बहुत गाली गलौज और न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो बहुत लोकप्रिय होती है। यह लोकप्रियता कालखंड तक नहीं चलती है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं मुझसे अगर इत्तफाक रखते हैं तो आ गई है। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मैं अगर अपने फेवरेट कथाकार का नाम लूँ तो मेरे फेवरेट कथाकार हैं निर्मल वर्मा। आज से 2 दशक पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसी कहानी लिखी जाएगी जो एक कॉरपोरेट में काम करने वाला लड़का वीडियो गेम का इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसके हस्तक्षेप, उसकी पत्नी जब हस्तक्षेप करती है तो वो उसकी जान ले लेता है। क्योंकि पहले बहुत ही भाषा जरूर ही क्लिष्ट होती थी, साहित्यिक होती थी, लेकिन उसका जो प्रभाव होता था वो लंबे समय तक बना रहता था। हालांकि उसमें लेयर्स नहीं होते थे, उन कहानियों में लेयर्स नहीं होते थे। आज के जो लेखक हैं, जो साइकोलॉजिकल कहानियाँ बहुत लिखी जाती हैं, जैसे वो कहानी मैंने बोला कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि गेम का इतना एडिक्ट है कि उसकी पत्नी जब हस्तक्षेप करती है उसके गेम खेलने में तो अपनी पत्नी का ही कत्ल कर देता है। क्या हम में से कोई भी ये कल्पना कर सकता था कि ऐसी कहानियाँ भी लिखी जाएगी? इस कहानी का नाम है कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट।
अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई है 2 साल पहले, लास्ट कॉफी। उस कॉफी, लास्ट कॉफी कहानी में मैंने भी एक साइकोलॉजिकल कहानी ही लिखी है कि एक आम सा लड़का है, बहुत ही साधारण दिखता है, बहुत ही साधारण है, रंग रूप से बहुत ही साधारण है। जब मैं उससे बार बार मिलती हूँ तो उसका चरित्र जो है लेयर बाय लेयर खुलता जाता है, और अंत में पता चलता है कि उसने अपने ग्रैंडफादर को, जो उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे उसके बालपन में, उसको उसने डिसेक्स कर दिया। तो ऐसी साइकोलॉजिकल जो मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स कहानियां, साइकोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड कहानियां लिखना इतना सरल नहीं था। आज के लोग एक्सपेरिमेंट करने से हिचकते नहीं हैं, खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई नई तरह की कहानियां लिखी जाती है, बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कहानियों में। हालांकि भाषा बहुत ही सरल है, भाषा बहुत सरल है, सिर्फ बहुत सरल है। आजकल की कहानियों में इंग्लिश जो है, जो आंग्ल भाषा, उसका भी खूब उपयोग हो रहा है। हालांकि आंग्ल भाषा का उपयोग पहले भी बहुत होता था। अगर आप मुझे चांद चाहिए में ही देख लें तो पूरी की पूरी पंक्ति आंग्ल भाषा में है, अंग्रेजी में है, पूरी की पूरी पंक्ति है आंग्ल भाषा में। अब उसमें क्या है, एक नई हिंदी के लोगों से यह शिकायत भी है कि अंग्रेजी के वर्ड जस का तस रख देते हैं, जस का तस रख। इसका फायदा यह होता है कि अगर आपको किसी शब्द का, अंग्रेजी शब्द का अर्थ नहीं पता है तो जस का तस होने का यह फायदा है कि आप उसका अर्थ ढूंढ सकते हैं। लेकिन वही चीज जब लिखी जाएगी देवनागरी में, अगर अंग्रेजी वर्ड कोई देवनागरी में लिखी जाती है तो उसको समझना, उसका अर्थ ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। जैसे मुझे चांद चाहिए में रिपेटरी वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, कितनों को ये अर्थ पता है, कितनों को इसका अर्थ पता है, मुझे नहीं पता है कि बहुत सारे लोगों को पता। लेकिन अगर यही वर्ड इंग्लिश में लिखी होती तो बहुत सारे लोग इमिडिएटली उसका अर्थ ढूंढ लेते, डिक्शनरी में देख लेते या कहीं पर देख लेते, हालांकि अब बहुत लोग परिचित भी हो चुके होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साहित्य में समय के साथ बदला हुआ है, बदल गया है, समय के साथ साहित्य बदल रही है, बदल रहा है साहित्य, लोग लिख रहे हैं, खूब नए नए लोग लिख रहे हैं आज के डेट में। हम जैसे लोग भी लिख रहे हैं, मैं गृहिणी हूँ, खाली समय में लिखती हूँ और पढ़ती हूँ। राइटिंग स्टार्ट करने का एक ही मूल मंत्र है, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपकी कलम खुद ब खुद चलने लगे। मेरे पास बहुत सारे लोग इनबॉक्स में आते हैं ये कहने के लिए कि मैम मैंने फलाना कविता लिखी है, मैम मैंने ढिमकाना कहानी लिखी है, फलाना जगह प्रकाशित हो गई है, ढिमकानी जगह प्रकाशित हो गई है, प्लीज़ आप पढ़िए। देखिए, आज जितने लेखक हैं ना उतने ही प्रकाशक भी हैं। जितने लेखक हैं सबके पास हर दूसरा व्यक्ति एक वेब लिंक चला रहा है, हर गली मोहल्ले से एक किताब, एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। तो प्रकाशित होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है खूब अच्छा लिखना। और खूब अच्छा आप तभी लिखोगे जब आप खूब अच्छा अच्छा पढ़ोगे। अच्छा लिखने के लिए मैं बोलूँगी कि पहले साहित्य किताबें पढ़िए, अपने वरिष्ठों को पढ़िए, उससे आपकी भाषा आप बरतना सीखोगे, आपकी भाषा सुदृढ़ होगी, उसके बाद आपको आपकी जो शिल्प होगी वो बेहतर होगी। बाकी नई हिंदी पढ़ने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नई हिंदी अभी के चलन में जो लिखी जा रही है, जो किताबें उसको भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जान पाओगे कि फिलहाल क्या चल रहा है, अभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्यों यह किताबें इतनी ज़्यादा बिक रही है, क्यों नए जो नई हिंदी लिखने वाले हैं जो स्टार जैसे हो गए हैं, क्यों उनको पढ़ने से आप वो सीखोगे। किसी भी कहानी बुक लेखन से पहले लेखक के दिमाग में क्या होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग जब मैं कोई कहानी लिखती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता है, मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली होता है। जो एक चीज़ मेरे दिमाग में होती है वो यह होती है कि जो फ्लो है, जिस फ्लो जो अभी जहन में जो आया है, जो एक चित्र उभरा है कि मुझे इसको चित्रित करना है, वो फटाफट कर दूँ, फटाफट इन द सेंस कि जो है अभी दिमाग में, जो अभी जहन में है उसको मैं लिख दूँ, और कुछ उस वक्त दिमाग में नहीं होता। अगर आप मार्केट को ध्यान में रख के लिखोगे कि अभी क्या चल रहा है, लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो सच मानिए आपकी जो कहानी है वो स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि आप अगर बाजार को ध्यान में रख कर लिखोगे तो आपकी कहानी खराब हो जाएगी कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। आप सबसे पहले लिखिए खुद के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि राइटिंग मेरे लिए मेरा व्यक्तिगत हंगर है। वो ऐसी भूख नहीं है कि अभी कुछ भी मिला तो मैंने खा लिया। एक क्लासिक हंगर है, राइटिंग मेरे लिए क्लासिक हंगर है। जैसे मैं किसी
टॉप क्लास के रेस्टोरेंट में डाइन आउट करने के लिए गई, टॉप क्लास का मेन्यू देखा, उसमें से कुछ एक सेलेक्ट किया। तो मेरे लिए राइटिंग वही चीज है। 50 चीजें जहन में होती है। जींस को लिया तो जींस के को जींस खरीदा, टॉप खरीदा, हम बाजार जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम सब्जियां लेने जाते हैं। किस्सा कहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है, लेकिन उसकी जो शिल्प है, उसका जो बनावट है, वो आपको पढ़ने से ही आएगा कि कैसे बना सकते हैं, कैसे शिल्प इसको चित्रित कर सकते हैं। डॉक्टर शैली मिश्र जी, देशज कहाँ, देशज भाषा के प्रयोग से मुझे लगता है कि अभी मैं फेसबुक पे भी ये बात, सोशल मीडिया में भी ये बात देख रही हूँ कि लोग आम पोस्ट लिखने में भी, बातचीत करने में भी, मैं भी ऐसा करती हूँ, कई बार हम देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे एक जुड़ाव महसूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप कहानी लिखते हैं, अभी आप देखिए हाल फिलहाल में बिहार के कुछ लोग, बिहार के लोग हालांकि पहले से ही साहित्य में बहुत ही सक्रिय हैं, पहले से ही बहुत लेखन हुआ है, किताब आई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बिहार के बहुत लोग हैं, तो देश शब्द से वाकई में जुड़ाव होता है। हालांकि वह क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन फिर भी जो मैं ही हूँ, आज विदेश में रह रही हूँ, लेकिन मुझे अपने देश से उतना ही लगाव है, अपनी मिट्टी से उतना ही लगाव है, उतना ही प्यार है, जितना अपने देश में रहने वाले लोगों को होगा। तो जब हम देशज कहानियाँ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी उससे जुड़ाव, एक कनेक्शन फील करती हूँ, एक कनेक्टेड फील करती हूँ। कल ही किसी से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, उसमें लिखा हुआ था, मेरे शहर का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने उनको इनबॉक्स में जाकर कहा कि आप हमारे ही शहर की हैं। तो वह एक चीज़ कभी भी नहीं छूटता है। कहते हैं ना कि दरख्त कहीं चले जाएं, जड़ तो जमीन से ही जुड़ी होती है। तो देश शब्दों के प्रयोग से वाकई में एक जुड़ाव होता है। आप देखिए फेसबुक पे भक्क, ऐसे कई सारे शब्द हैं, मैथिली, बज्जिका समूह के जो लोग हैं, जो बज्जिका बोलते हैं, जो जानते हैं, वो फेसबुक पे खूब सारी बज्जिका वर्ड यूज करते हैं, लिखने में, बोलने में, कमेंट में खूब यूज करते हैं। वाकई इससे जुड़ाव होता है, मेरा तो यही, मैंने यही देखा है।